हेलो अंदर के हम बैक टू द चैनल वापस हम लोग आ चुके हैं एक नए गेम के साथ। आज गाइस हम लोग खेलने वाले हैं ग्रेवयार्ड शिफ्ट। तो मेरी नाइट शिफ्ट है और मैं ग्रेवयार्ड में काम करता हूं। अब ये नाम सुनकर ही मतलब ऐसा खतरनाक लग रहा है और ऊपर से हॉरर गेम। अगर नॉर्मल गेम भी होता तब भी डर लगता, लेकिन ये हॉरर गेम है और उसके बाद से हम लोग रात में काम कर रहे हैं और कहां ग्रेवयार्ड में। तो देखते हैं कि कैसा होने वाला है। इन द साइलेंस ऑफ द नाइट Demons ambush our thoughts and madness. Unfortunately, it's ढंग से पढ़ भी नहीं पाया, बट कोई बात नहीं। तो अभी यार पता नहीं कैसा बड़ा गेम होगा, एक एपिसोड में खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ नॉलेज नहीं है और मुझे तभी मजा आ रहा है जब मेरे को कुछ नहीं पता रह रहा ना गेम के बारे में। बाकी गेम में चल जाता कि आप देख लो पहले से और आपको ताकि थोड़ा आइडिया रह जाए कि क्या करना है इसमें, है ना। बट ये गेम ऐसी है जहाँ पे आपको मतलब यार नहीं पता होना चाहिए। अगर पता होगा तो आपको पहले से पता होगा कि यार इसमें जंप स्केयर आने वाले, इसमें ये होने वाला है, ये होने वाला। तो नहीं, पहले से अगर देख लो तो बहुत दिक्कत होने वाली, इसलिए कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। फिलहाल ये ब्लैक एंड व्हाइट सा कुछ 1995 यार। म्यूजिक एक सेकंड गाइस, म्यूजिक बहुत लाउड है, म्यूजिक बहुत ज्यादा लाउड है। म्यूजिक वॉल्यूम कम करता हूं मैं 17 पे। आई होप कि ये चल जाए। चलो रिज्यूम गेम। ओ तो ये मैं अभी अपनी गाड़ी से आया हूँ। एक बार पहले गाड़ी देख लेंगे कैसी है। फिलहाल ये जो आई गॉट दिस जॉब द हार्ड वे, आई डोंट वॉन्ट टू बी फायर्ड फॉर लिविंग द पोस्ट। ओके तो बड़ी मुश्किल से मेरे को ये नौकरी मिली है और मैं नहीं चाहता कि मेरे को नौकरी से निकाल दे कोई। एंटर द विस्परिंग विंड। और ये कौन है बंदा? विस्परिंग विंड्स इस ग्रेवयार्ड का नाम है। 1907 तब इस्टेब्लिश हुआ था। ये कौन है यार? मेरे को ना ग्रेवयार्ड के बारे में भी नहीं पता कि क्या हिसाब किताब रहता है वहाँ पे। वैसे ग्रेवयार्ड में तो यार मतलब जैसे बॉडीज तो दफनाई गई है ना, तो ये लोग ये क्यों आ रखे हैं यहाँ पे? बाहर तो कुछ नहीं होगा ऐसा पड़ा हुआ। I'm glad to see you. I'm sure we have hired a great guardian. कितने आराम से बोल रहा है। I know that during the first few nights you might not feel comfortable in this place. This cemetery is the most peaceful place at night. वैसे इस बात तो सही है। Find enjoyment in the tranquility and silence of this place. But ऐसी जगह पर काम करके ना बंदा मतलब यार एक अलग ही थॉट्स आएंगे, अलग ही टाइप के, कि मतलब लोग आ रहे रोज वहाँ पर, है ना, मरे हुए लोगों को ला रहे रोज और तुम वहाँ पे रखवाली कर रहे हो। एक दिन तुमको पता है तुमने भी यहीं पर आना है, मतलब कुछ अलग ही चलेगा। मेनी फेमस पीपल गो टू जॉनीज टू गेट ऑल द डिटेल्स। चलो तुम्हारा काम खत्म, अब तुम जाओ। अब मैं जा सकता हूँ अंदर? ओके गाइस तो मैं अभी अंदर जा सकता हूँ। और यहाँ पर देखो लोगों ने ये लाइट्स वाइट्स टाइप की लगा रखी है। कन्फ्यूजिंग लग रहा है यार। पता चला मेरी शिफ्ट खत्म हो गई यार, मेरे को घर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। मैं ढूंढते फिर रहा हूँ कि घर कहाँ से जाना है। ऐसा ना हो, बस मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। ओ जॉनीज, कब से ढूंढ रहा था मैं, यहाँ पर बैठा हुआ है, नहीं बैठा नहीं खड़ा हुआ है। ये मेरे को वो लग रहा है GTA 5 का माइकल जैसा लुक आ रहा है इसका, थोड़ा 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 सा यार लग रहा, सच में लग रहा गाइस। देखो ये देखो देखो, बाल भी उसी तरीके के हेयर स्टाइल है और मतलब लग रहा है। चलो इससे बात करनी है। You must be the new night shift guard. हाँ, you should know that guarding this cemetery. If you have any questions or encounter any issues, please contact me. Remember to regularly check the cameras. बार बार फोकस कर रहा है उस चीज पे, एम्फसाइज कर रहा है कि रेगुलरली चेक द कैमराज। चले गए सब लोग, चले गए। अब मैं इस ग्रेवयार्ड का मालिक मैं अकेला हूँ यहाँ पे। वैसे अभी उजाला हो रहा है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी और मुझे करना क्या है अब? अब कोई मुझे ये समझाए कि मुझे करना क्या है। अबे नहीं, अभी से नहीं, अभी से नहीं यार। अभी तक इतना अच्छा फील हो रहा था यहाँ पे, मतलब अच्छा मतलब बहुत शांत सा लग रहा था। अभी अभी अजीब चीज़ें होने लग गई है, तो शायद मुझे यहाँ पर रहना होगा, है ना। मैं यहाँ पर रहूँगा और एंटर करने का गेट तो ओपन थे गाइस। जैसे That tall man is still in the grave. I have to ask him to go. Okay. कोई बंदा यहाँ पर अभी भी ग्रेव के पास है? कहाँ पे है ग्रेव के पास? लेकिन या तो हर कोई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई खड़ा हुआ है। कहाँ यार टॉल मैन वो? एक सेकेंड, किधर है यार? पहला दिन है ड्यूटी का। ओ ये है वो टॉल मैन। अब हो गया, बहुत बहुत हो गया अब यार। ये सच ये इतना डरावना क्यों लग रहा है मेरे को?
बोलूं कुछ बोलूं मारेगा तो नहीं है, बोलूं। Excuse me, sir. I must ask you to leave this place. This cemetery is closed from 5 p.m. onwards, and I have to lock the gate. Close the gate of the cemetery so that no one enters. Security room, church, fuse, warehouse, dissection hall. Alright. यार ये थोड़ा रिस्की जॉब तो है, बट मेरे को चाहिए थी नौकरी किसी भी हाल में, क्योंकि नौकरी मिलेगी तभी तो शादी होगी मेरी। अब ठीक है, मैं कहीं अच्छी जगह नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मतलब यार ये रिस्की तो है। वो बंदा गया क्या, पता नहीं यार, गया नहीं गया। वो जिंदा इंसान मेरे को भूत से कम नहीं लग रहा था, तो मैं कर रहा हूँ गेट बंद। ठीक है, मैं गेट बंद कर रहा हूँ। ही सीम्ड नर्वस, डिड ही गेट अपसेट बाई माई वर्ड्स? यार पता नहीं, बंदा जो भी था वो थोड़ा वियर्ड लगा मेरे को, मतलब उसने कुछ आंसर भी नहीं दिया और उसका चेहरा थोड़ा नीला सा पड़ा हुआ, सफ़ेद सा था यार, पता नहीं क्यों ऐसा लगा मेरे को। एंटर द सिक्योरिटी रूम, चेक द सीसीटीवी कैमरा। अब मेरे को ना अभी थोड़ा रस्तों में कन्फ्यूज़न है, बट शायद ये है हमारा रूम जहाँ पर मेरे को जाना है। ठीक है, तो ये वो है, मैं एक बार जाता हूँ यहाँ पर और अंदर जाके। यार गंदा कर रखा है जिसने भी रूम सीसीटीवी कैमरा चेक किया था। फिर ये खुद ही घूम रहा है ना, रोटेट हो रहा है, एक ही सीसीटीवी कैमरा लगा पूरे उसमें, खुद ही रोटेट हो रहा है। अगर कुछ भी दिख गया तो फिर यहाँ मैं नहीं दिखूंगा, मैं घर जा रहा हूँ। यार इतने ब्लर क्यों कैमरा होते हैं? अभी नाइट तो नहीं हुई थी वैसे, जब तक रात नहीं है ना मेरे को डर नहीं लग रहा, लेकिन जैसी रात होगी फिर हाथ पैर कांपने वाले मेरे। दिक्कत पता क्या है, मैं इतना गौर से देख रहा हूँ और गौर से देख रहा हूँ, अचानक से एकदम से सामने कुछ आया, या फिर मैं कंप्यूटर में देख रहा हूँ भी, और जब मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से तो मेरे पीछे अगर कोई खड़ा, नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं यार। ये हॉरर गेम ना अकेले खेलने का मन ही नहीं करता। ये चर्च के अंदर का एरिया है, डरावना है काफ़ी यार। यहाँ पर क्या है? ओके 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 ओके। अब यार ये क्या है? शेट, ये इनको देखो यहाँ पर, डेड बॉडीज़ को। तो कल सुबह इनका वो होने वाला है, क्या बोल रहा था मैं, वर्ड्स भूल गया हूँ। वाटर पाइप, ठीक है। फ्यूज़ यहाँ पे, वेयर हाउस, पता नहीं वाटर पाइप कहीं पर तो था, मैं एक बार देख के आता हूँ। कहीं से ना पानी लीक हो रहा था गाइस। यार मेरे को सारे काम करने पड़ेंगे ना यहाँ पे। आई थिंक यहाँ कहीं पर था। फाइंड द डेथ स्टैचू। ऑलराइट, पहले मैं पाइप ठीक कर लूँ। तो वो जो पाइप है वो यहाँ से लीक हो रहा है। ओके हाँ हाँ, समझ में आ रहा है कैसे। अबे लेकिन कैसे करेगा, अब इसके लिए क्या चाहिए मुझे? एग्जामिन कैसे करूं यार, पता नहीं एग्जामिन कैसे करना है। ओ यहाँ से मेरे को बंद करना है इसको, यही करना हो सकता है, फिर और क्या होगा? हाँ एक सेकेंड, हैव यू एवर हर्ड द क्राइज ऑफ अ डीमन? चेक द सीसीटीवी दोबारा से। ओ शिट, ये क्या है? मैं नहीं जा रहा उधर को, मैं नहीं जा रहा। मैं कहाँ से आया था, मैं निकल रहा हूँ यहाँ पे। यार एक साथ इतने सारे हैं, ये कौन है? शेट, वो था कौन? मेरे पास पिस्टल वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, मैं पिस्टल से भूत को क्या होगा यार, दिमाग खराब है मेरा। पिस्टल से कहाँ उसको कुछ होने वाला? यार एक बंदा और होता ना मेरे साथ में तो शायद इतना डर नहीं लगता, लेकिन मैं अकेले हूँ। बंद हो जा। अब जाके थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को। ऑल राइट, सब सही है। यार ये लोग हैं कौन लोग हैं? कुछ भी नहीं, आँख कान मुंह कुछ नहीं इनका। ऑल राइट, ये एरिया एकदम सेफ है। ठीक है, एरिया ही सेफ कह सकता हूँ, पूरा तो नहीं है ये सेफ। वो लोग कौन है मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। ये सही है, पाइप वाला एरिया, गाड़ियाँ सही है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। ओ शिट, एक डेड बॉडी नीचे गिरी हुई है या फिर गायब कर दी उसमें से, या उठ के खुद वो आ गई है। अब क्या करूं मैं? चेक द सीसीटीवी, कर लिया यार मैंने, चेक कर लिया। रुक जाओ, वापस से मेरे को करना पड़ेगा गाइस। दिक्कत यह है, वापस जो बोल रहे करना पड़ेगा मेरे को। यार वहां पर डेड बॉडी गायब है और उसी का मेरे को ध्यान रखने के लिए कल सुबह उसका होने वाला है यार, जो भी काम है यहाँ पे कल सुबह उसको दफनाने का काम होगा। क्या हो गया यार, ये स्ट्रक हो गया क्या गेम? दोबारा से ओपन करूं क्या? एग्जिट टू मेन मेन्यू कर दिया मैंने, जो होगा देखा जाएगा।
अरे यार न्यू गेम स्टार्ट होगा फिर से, दोबारा से स्टार्ट हो रहा है यार सारा बेकार सा, क्यों हुआ ऐसा है। ऑलराइट गाइस, तो वापस से हम लोग उतना मेरे को दोबारा से खेलना पड़ा था, बट ज्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही था। ये कौन लोग हैं? ओके चेक द सीसीटीवी कैमरास, ठीक है पता नहीं। मुझे लगता है कि मुझे डरना नहीं चाहिए गाइस, मैं फालतू में डर रहा हूँ यार, क्यों? कौन है ये लोग, क्या कर लेंगे, है ना? मैं जॉब करता हूँ, मुझे रोज का काम है, ऐसा नहीं कि पहले दिन में कोई यहाँ पर टूरिस्ट घूमने आ रखा हो, नहीं मेरा रोज का काम है ये, इन लोगों से मुझे नहीं डरना। अब वो अलग बात है कि गेट बंद कर लो, चाय बन रही क्या? अब यार ये चाय कल से नहीं बन रही अभी तक। अब वहाँ पे मेरे को डेड बॉडीज को देखने जाना था, यहाँ पे मैं दोबारा सीसीटीवी कैमरा ओपन नहीं करूँगा क्योंकि स्टक हो गया था, एक डेड बॉडी गायब थी, इतना हम लोगों ने कर चुके थे पहले, है ना? तो अब हम चलते हैं, अब मैं दोबारा सीसीटीवी ओपन नहीं कर रहा हूँ, चेक द सीसीटीवी। अबे यार एक सेकेंड कर चुका हूँ ना मैं, यहाँ पर कुछ है? हाँ अब जाके अपडेट हुआ, अ चेंज हैज ऑकर्ड इन द डिसेक्शन हॉल, चेक इट आउट। ऑलराइट चेक इट आउट करते हैं हम लोग। तो क्या मेरे को की वगैरह चाहिए कुछ? वहाँ पर लॉक्ड था वो, जब मेरे को पहले का ध्यान है कि मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ क्या साथ साथ में, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मेरे को लग रहा है। यार यहाँ पर पढ़ाई करने का माहौल तो बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे ये देखना है कि वो डिसेक्शन हॉल का गेट, वो शीशे वाला घर था ना, वो लॉक्ड था, अभी शायद ओपन हो गया होगा गाइस। कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा, बट अगर एक दिन पहले, आज पहला दिन है मेरा, आज काम कर लूँगा तो पता चल जाएगा। ये फ्लोर इतना गीला क्यों है पता नहीं यार। रेस्ट रूम क्लोज्ड, पहले ये छोड़ो जो काम कर रहा है वो करूं यार मैं। शिट ये कौन ला लड़की, गो बैक टू द सिक्योरिटी रूम। यार डर तो लग रहा है बट मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं डरू नहीं, लेकिन डर लगा था यहाँ पर आके, इनको देख के डर लग रहा है। पता है भूत से ज़्यादा डर तो मेरे को इनसे लग रहा है यार, देखो किस तरीके से। ये मैंने उल्टा लिटा दिया क्या? अब यार चल उल्टा लेट जा, आराम कर, यहाँ पर कुछ है? नहीं है, चलो इसको बंद करो, कर रहा हूँ। अरे एक बार यहाँ देख के आऊँ कि कोई है तो नहीं यहाँ पे, दिमाग खराब। ये क्या इंजेक्शन सा, ट्यूब सा, पता नहीं क्या चीज़ है। चलो गैस बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पर काम हो चुका है। ओके ये है ना, मैं सोचूं कि गेट लगा दिया किसी ने, इसका गेट बंद कर दूं मैं। चलो वापस से हमको सिक्योरिटी कैमराज चेक करने। अबे नहीं यार ये बहुत अजीब सी आवाज है, शिट ये आवाज है इतनी गंदी है ना, डर जाएगा इंसान। सब सही है, सब नॉर्मल है पहले की तरह, सब लोग यहां पर आराम से चैन की सांस ले रहे हैं। ये कौन है? एक सेकंड, इसकी हिम्मत कैसे हो गई यहां पर आने की? अ गाय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर, आई डोंट नीड टू टेल हिम टू गो, ही विल, एक सेकंड क्या आया था, ही विल है, कैसे मैं जाके मारूं उसके मुंह पे चांटे, एक सेकंड ऐसे कैसे हिम्मत हो गई तेरे, ये तो रुक जाओ यार मैं जाता हूँ एक बार, क्या आ रहा है, गो बैक टू द सिक्योर, अबे हटो रुक जाओ यार सिक्योरिटी रूम भाड़े में जाए, एक सेकंड रुक जाओ, किसी ने बाहर से लॉक कर दिया मेरे को। अबे यार ये क्या चल रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है क्या, मैं क्यों आ रखा हूँ यहाँ पे, क्या कर रहे हैं तुझे, ऐसा लुक रख के आ रखा है कि मैं डरूंगा इससे, मुंह पे चांटे मारूंगा मास्क उतार के इसका, मैं मेरे को बस बोला नहीं जा रहा, मेरे को आदेश नहीं मिल रहा कि तुम जाओ ये काम करो, यहाँ पर सब सही है, ये पता नहीं सिकुड़ता क्यों जा रहा है ये वाली लाश, पता नहीं। अबे यार गो बैक टू सिक्योरिटी रूम, ठीक है चला गया मानता हूँ, अब मैं क्या करूँ। आई एम द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ दिस सिमेट्री एंड आई एम लीविंग अ मैसेज फॉर द नेक्स्ट गार्ड, यानी कि मेरे लिए हेयर, I'm here at night between 3 AM and 4 AM, 3 and 4 AM, and I see a very frightening nun on the east side of the cemetery, standing over a grave. But I don't dare to approach her. Her crying is intensely, क्या लिखा हुआ है, airy and disturbing, and
It's unbearable. I have recently found a solution that can make her voice somewhat more tolerable for you. Just whisper Jesus Christ 20 times. We don't know who this nun is, but I am certain that she is not human. ओके यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा था. ऑलराइट चलो तो हमको मस्त वाला माहौल हो गया. पर रुक जाओ यार, शोर हो रहा बाहर. अब यार गेट खोल दो कोई. यू नीड टू रेस्ट. ओके तो रेस्ट करने वाले हैं हम लोग. आराम से सो रहा हूँ लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे नींद शायद आ जाएगी. हाँ तो क्या गाइस हमारा पहला दिन खत्म हो चुका है या मैं सपने में चले गया हूँ? मेरे को लग रहा है कि मैं सपने में चला गया अभी और अब मैं उस नन को देखूंगा यहाँ पे. यार क्या सीन है, पूरी लाश मतलब सबके कब्र कब्र दिख रही मेरे को. मैं हूँ यहाँ पे, मैं सपने देख रहा हूँ. देख रो मैं पागल हो चुका हूँ. मैं इतना डरपोक कैसे हूँ यार? मैं नहीं हूँ इतना डरपोक. मैं कैसे इतना डरपोक बन गया? मैं सपने में देख रहा हूँ कि मैं ऐसी जगह पर आ रखा हूँ जहाँ पर और कुछ नहीं और यह है और मेरे को लाइट दिख रही है, तो मैं डेफिनेटली लाइट की तरफ को जाऊँगा. बट अगर वो सन होगा तो फिर जाके फ़ायदा नहीं उधर की तरफ को. अब मुझे करना क्या है यहाँ पर ये बताओ तुम? ऐसे अजीब सपने क्यों देख रहा हूँ मैं? क्या अजीब सपना है यार ये? कोई मिले मुझे, किसी से मैं बात करूँ, कोई दिखे मुझे, कुछ नहीं आस पास. ये क्या है अब? ये सब लोगों की कब्र. यहाँ पे होम थिएटर टाइप का लग रहा है साउंड बार और वहाँ से मेरे कानों में आ रही है. बेचारे सब लोग जो मरे हुए हैं ना उनकी आवाज़ आई. यार एक बच्ची कह रही कि डेविड अगर तुम यहाँ से गए तो मैं कभी तुमको माफ़ नहीं करूँगी, कभी तुमको भूलूँगी नहीं. लेकिन मैं डेविड हूँ क्या? जाऊँ अंदर क्या करना चाहिए यार? कहीं ऐसा ना हो कि ट्रैप हो एक, है ना, कि मैं जाऊँ और गेम ख़त्म हो जाए. मुझे अभी कुछ नहीं पता कि इस गेम में हम मतलब मरेंगे, रीस्टार्ट होगी दोबारा से गेम, क्या होने वाला है कुछ नहीं पता मेरे को. मन तो कर रहा है कि इधर ही जाऊँ. खत्म सपना, खत्म. कुछ होने वाला है मेरे कान में. कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल सा एकदम. हाँ तो बाहर की आवाज से ऐसा लग रहा है कि बाहर अंधेरा बहुत ज्यादा हो चुका है और ना कुंडी लगी है, कुंडी खुल गई है. ये देखो मेरा खाना किसी ने फेंक दिया यहां पर अंदर आके. मैं सो रखा था उस टाइम पे. बताओ मैं चैन से सो रखा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि खाना खाऊंगा और खाना किसी ने फेंक दिया. नो एनी नोट येट. अच्छा अब नोट ही मिलेगा मेरे को यहाँ पर और कुछ नहीं मिलने वाला. सीसीटीवी कैमरा चेक करूँ जरा. अब देखो अब हो चुका है एक्चुअल में डरने वाला. बाहर अंधेरा हो चुका बहुत ज़्यादा. ये देखो बहुत अंधेरा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पर भी. ये देखो इसकी गाड़ी में से किसी ने कुछ चोरी करने की कोशिश करी है, कुछ तो हुआ इसकी गाड़ी में. वो बंदा गेट से चला गया जो था ना यहाँ पे. डेड बॉडीज एकदम नीट एंड क्लीन प्रॉपर तरीके से जहाँ पर थी वहीं पर रखी हुई हैं. और ये तो कमरा अंधेरा हो रहा है. ट्यूबलाइट किस काम की है यार, अगर इनसे इतना भी उजाला नहीं हो सकता तो. तो गाइस क्या मेरे को अब अपडेट हुआ? पिक द फ्लैश लाइट एंड फाइंड अ वे टू डिसेबल द कार अलार्म. आप जाके यहाँ पर फ्लैश लाइट आ गई है. अभी तक यहाँ पर फ्लैश लाइट भी नहीं थी. यार अब ना एक्चुअल में सच में कह रहा हूँ, अब एक्चुअल में यहाँ पे मेरे को डर लगने लगा है. अभी तक तो उजाला, मैं सोचूं कि यार अंधेरा हो रहा है, नाइट शिफ्ट कह रहे हैं, कौन सी नाइट शिफ्ट है इतना उजाले में. बट अब ना एक्चुअल में डर लगने वाला हो रहा है. रास्ता वहाँ से है, मन तो नहीं कर रहा बिल्कुल भी ऐसे में बाहर निकलने का. यार ग्रेवयार्ड में ना मेरे साथ एक और बंदा होना चाहिए जो मेरे को मतलब उससे बात कर सकूँ मैं. कोई है ही नहीं अकेले में. अजीब अजीब थॉट्स आ रहे हैं. आई नीड ए टूल इन द वेयर हाउस. वेयर हाउस कहाँ पर है? सामने है. पहली बार मैं वेयर हाउस विजिट करने जा रहा हूँ. विजिट तो ऐसा बोल रहा हूँ जैसे कोई टूरिस्ट हूँ मैं, बट हाँ मतलब पहली बार जा रहा हूँ. मेरे को नहीं पता वेयर हाउस का आइडिया कुछ. यार वेयर हाउस है, कबाड़ खाना है. लो ये भी गिर गया. कौन सा टूल चाहिए मेरे को? ये चाहिए होगा ना. टूल एडेड टू इन्वेंट्री. और कुछ है जो अभी मैं लेके जा सकता हूँ? यार ये क्रॉबार ये चाहिए मेरे को. एक बार मैं एक ही चीज़ उठा सकता हूँ. पिकअप द फ्लैट. चलो ठीक है. मुझे लग रहा है कि उठा लिया मैंने. इसको बंद करो गेट को.
ये फ्लैशलाइट का काम है, दिमाग खराब इतना कम? बस मेरी नजरें, मैं चाहता हूँ कि मैं नजरें झुका के चलूँ यहाँ पर, ज़्यादा काम ना करूँ। यार कैसे बंद करूँगा इसमें इसको? मेरे को लग रहा है कि मेरे को ओके 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 ओके, लो तार ही काट दी मैंने बंदे की। अब जाके गो बैक टू सिक्योरिटी रूम। कोई है मेरे पीछे? कोई मेरे पीछे पीछे मेरे सिक्योरिटी रूम में आना चाह रहा है? कर लो बंद कर लो, कोई टेंशन नहीं है। लाइट ही चलेगी, सिक्योरिटी कैमरा सारे के सारे बंद। यार क्या हो रहा है? मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डरू नहीं, लेकिन सिचुएशन ना ऐसी ख़राब होती जा रही कि डर लगेगा। अब लग रहा है मुझे डर। ये क्रॉस साइन यहाँ से ले लूँ क्या मैं? ये भी नहीं ले सकता। द फ्यूज हैज़ ब्लोन, फाइंड द फ्यूज, फाइंड द फ्यूज। अच्छा फ्यूज सर्च करना, मैं हाथ से ही सही कर लूँगा उसको। तो यहाँ से मुझे जाना है फ्यूज़ ढूंढने के लिए। यार यहाँ कहीं से रास्ता दिखा रहा था फ्यूज़ का, मतलब ये है ना, ये है, ये है। चलो, हर बार ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे ही पीछे मुड़ूंगा कोई मेरे पीछे खड़ा होगा। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? मैं डरना नहीं चाह रहा, मैं पता इग्नोर कर रहा हूँ साउंड्स को। मेरे को एक्चुअल में बहुत डर लगेगा इसको, मैं इग्नोर करना चाह रहा हूँ, मैं डरना नहीं चाह रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कि मैं डरूँ नहीं, क्योंकि मैं ना रियल लाइफ में डर रहा हूँ और मैं चाहता नहीं कि ऐसा कुछ हो। चलो देखते हैं। सब सही है, सब एकदम सही है, परफेक्ट, एकदम सही है, बेहतरीन। गाड़ियाँ एकदम सही है। अब तो तार भी काट चुका हूँ मैं उसकी। अब मेन है इसके बाद वाली फुटेज। दो लाशें गायब यहाँ से, एक तो लाश गायब है, एक नीचे गिर गई है। अब मुझे दोबारा से वहाँ पर जाना पड़ेगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। मैं सुबह कल सुबह 5 बजे उठ के चले जाऊँगा। अभी नहीं यार, अभी मत करा मुझसे ये काम। अब मुझे पता है वही आने वाला है, वही होने वाला है दोबारा से। एग्जामिन द चेंज मेड इन डिसेक्शन हॉल। मन नहीं कर रहा था जाने का वहाँ पर, बट जाना पड़ेगा। क्या कोई और चीज़ें हैं मेरे लिए? नहीं है। यार ये दरवाजे में तेल क्यों नहीं डाला साइड में? आवाज़ आ रही है। नहीं नहीं गलत रास्ते जा रहा हूँ मैं। बहुत ही अजीब साउंड आ रही है यहाँ पे, और अगर मैं इस पर खो जाऊँ इस गेम में। एक डॉग था यार, डॉग होता तो अच्छा फील होता, बट नहीं है वो, पता नहीं कहाँ है। हाँ अगर मैं इसमें गेम में ना ऐसा खुद को मतलब खो सा जाऊँ तो फिर दिक्कत होने वाली है बहुत ज़्यादा। दो लाशें यहाँ से गए। क्या मेरे को पीछे मुड़ना चाहिए? इसके अंदर से लाशें गायब हैं। लाशें गायब कैसे हो सकती है? जो लोग यहां पर आए थे वो डेड बॉडीज थी। फाइंड अ वे आउट। कुछ हो गया क्या? वी विल नॉट बी बरीड हेयर। अबे तुम्हारी मर्जी, बताओ फिर क्यों आए यहां पे? ओ शिट। ए की शुड बी अराउंड हेयर। ऑल राइट, मैं कोशिश करता हूं ढूंढने की। कहाँ पर हो सकती है यार, कहाँ पर हो सकती है? अब यार ये लाशों ने अपनी नाक। मिल गई। अबे उठा जल्दी। चलो यहाँ से निकलो। कहाँ था वो? ये है ना। खुल गया। ये क्या चीज है? अब यहाँ पर लाशों को वो करते हैं, जलाते हैं यार इसके अंदर। एक सेकंड गाइस। मेरे को की बाइंडिंग देखनी है। अगर मेरे को, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स मिली है। फायर रिलोड कोट एग्जामिन इन्वेंट्री आइटम। यार वो कहाँ चला गया? मेन मेन्यू एम थ्रो ऑब्जेक्ट टी क्विक लोड F9 पिस्टल क्राउच लेफ्ट कंट्रोल पिस्टल। यार पिस्टल वगैरह भी तो है तो नहीं मेरे पास। मैं तो क्राउच भी नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा क्राउच? कोई तो रास्ता होगा ना बाहर जाने का। तीसरी लाश भी गायब यहाँ से। ये लो, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तीसरी लाश भी गायब है यहाँ से।
Oh shit! तोड़ 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 निकलो 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 निकल अबे जल्दी निकल यार, इतना स्लो क्यों है तू? बाहर तो आ चुका हूं मैं गाइस। नो टॉर्च है। कीप जॉनी इन्फॉर्म्ड बाय फोन। ओके 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 मैं कर रहा हूं, लेकिन अभी मैं कहां पहुं, मेरे को उसके इसके बारे में आइडिया नहीं है मैं कहां पहुं अभी। मैं आई थिंक ओके, मेरे को आइडिया आ गया, मेरे को आइडिया आ गया जॉनी। मैं नहीं कर रहा, मैं घर जा रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा था यहाँ पर नौकरी, मैं बेरोजगार रह लूँगा। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये पहला दिन है, हैं डबल ट्रिपल सेल। तेरे से नहीं डरता मैं, दिमाग खराब है क्या? एक सेकंड। हेलो मिस्टर जॉनी, देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट्स गोइंग ऑन? आई जस्ट रियलाइज्ड दैट द बॉडीज आर नॉट इन देयर प्लेस। What should I do? जल्दी आ जा। जॉनी। ओ यार। अबे यार जल्दी कर। Can you hear me? जॉनी आ जा यार प्लीज। Jesus। मैं अकेला पड़ गया हूँ यहाँ पे। ये लोग मेरे को मिलके, वो लोग तो नहीं यहाँ पे बरी होना चाह रहे, मैं बरी हो जाऊँगा यहाँ पे। मैं नहीं चाहता ऐसा। क्या करना अब ये बताओ। चेक द सीसीटीवी, दोबारा से कुछ किसी ने हरकत कर दी यहाँ पे। शैतान लोग। ये क्या कर रहा है बंदा यहाँ पे? अब यार ये किसकी, ये बॉन फायर जला के चाय पिए क्या? रुक जा आ रहा हूँ मैं। नो सिग्नल। वो बंदा वो बॉन फायर में क्या कर रहा है? अबे यार क्या कर रहा है मुझे, अब जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी मेरे को ऑब्जेक्टिव दो, क्या करना है? कुछ है यहाँ पे? गाने सुन लूँ क्या? ये भी नहीं चलेंगे अभी। हाँ अपेरेंटली समवन इज डिगिंग अ ग्रेव इन द सिमेट्री, चेक इट आउट। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, यही चाहिए था मेरे को। अब बताता हूँ तो बंदे को, दिमाग खराब हो गया है। मैं यहाँ पे सिक्योरिटी कर रहा हूँ, मेरी नौकरी खतरे में है, अपना पता नहीं हुलिया बदल के बंदा यहाँ पे क्या करने में लगा पड़ा है। तू मेरे को दिख जा बस, कहाँ पे कर रहा है तू ये सब कांड? रुक जाओ, मैं जा रहा हूँ पहले वापस से सिक्योरिटी चेक करने, सिक्योरिटी कैमराज चेक करने, क्योंकि मुझे ना नहीं दिख रहा हूँ बंदा यार, पता नहीं चला गया या अभी भी कर रहा है। मैं एक बार चेक करके आ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ रहूँगा। बंद हो, अबे बंद हो यार, क्यों नहीं बंद हो रहा है? रुक जाओ मैं वापस से सिक्योरिटी कैमरा चेक कर रहा हूँ। ये कौन सी जगह है गाइस? ओह ये समझ आई मेरे को कहाँ पे है। अबे हट जा हट जा हट जा, मैं समझ गया कहाँ पे है वो। यहाँ पे है वो ये जगह है यहाँ पे, यहाँ कहीं पर आग जलाई होगी उसने और मस्त करके यहाँ पे कब्र खोदने में लगा पड़ा है। ये जगह है देखो, ये है। इसने कुछ डाल दिया यहाँ पे यार। यार उसको क्या बोलते, कॉफिन डाल दिया इसने, है कॉफिन बोलते हैं ना इसको, मैं भूल गया नाम अभी तो घबराहट से सब चीजें भूल गया। ओपन करूँ क्या है? क्या था उसमें? क्या था ये? एस्केप द ग्रेवयार्ड थ्रू द गेट। चलो 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 निकल रहे हैं। बहुत हो चुका, अब निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। इन लोगों ने बहुत कोशिश करी मेरे को डराने की, बट मैं मन में ठान लिया था कि नहीं डरना, वरना अगर मैं डरता ना सच में बहुत डर लग रहा था। मैं मेरे को पता है कि मैंने खुद को कैसे कंट्रोल करा हुआ है। मैं डर जाता ना एक्चुअल में मैं कुछ अजीब हो जाता। मैं सच में ये बहुत अजीब जगह, यहाँ पर काम करना बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं निकल रहा हूँ। वॉज सपोज टू बी सिमेट्री गार्ड और ए डैम घोस्ट क्लब। I will not stay here। बट यहाँ तो ताला लगा हुआ है, ताला चेंज कर दे किसी ने यार। बड़े प्यार से मेरे को बोला कि निकल जाओ करके, मैं खुश हो गया। सामने देखो ये पूरे कब्र के लोग हैं, ये नहीं जाने देंगे मेरे को। राक्षस कहेंगे गो बैक टू सिक्योरिटी रूम। यार और कोई रास्ता बचता है क्या? वही है मेरे पास एक रास्ता। और यहाँ पर कोई मिलेगा मेरे को? नहीं यहाँ पर कोई नहीं है। गेट बंद करो, इसको बंद करो। वो लोग मेरे को जाने भी नहीं देना चाहते। अरे यार क्या टेंशन है, क्या दिक्कत है इन लोगों की। ये कौन है अभी, ये कौन है? तो अभी मैं डर नहीं रहा हूँ, भाड़ में जाओ। मैं यहाँ से निकलूँगा बाहर। यहाँ आ गया, अब बताओ मुझे क्या करना है। की है कहीं पे? गो बैक टू द सिक्योरिटी रूम। मैं आ चुका हूँ यार, जल्दी बताओ मेरे को काम क्या करना है। मेरे को निकलना है यहाँ से। वो लोग मेरा इंतजार थोड़ा ना करेगा कि यार बंदा अपना काम करने दो, उसको करेगा वो खिड़की से कूद जाएंगे अंदर। अब यार
ये फिर से स्टक हो गया मुझे लग रहा है। अब मैं दोबारा तो नहीं खेलने वाला ये गेम। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा इसको। क्या हो रहा है गाइस पता नहीं, ये क्यों स्टक सा हो जा रहा है बार बार, पता नहीं कंप्यूटर हैंग कर रहा है क्या कर रहा है। बट अब मैं यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ। अब अगर मैं लोड गेम करता हूँ ना गाइस यहाँ पे, तो ये है अभी, ये है क्या 17:12 वाला मिडिल ऑफ द नाइट, मेरे को ये करना पड़ेगा दोबारा से गाइस। अबे यार मैं नहीं खेलना चाह रहा हूँ उसको, दोबारा से मुझे खेलना पड़ेगा। ऑलराइट, तो जब तक ये अपडेट नहीं होगा मुझे चेक नहीं करना। देखो अभी काम कर रहा है ना, उसके बाद नहीं करेगा काम। अब जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा मैं नहीं जा सकता, वरना गेम में ना कुछ बग्स हैं जिसकी वजह से मुझे दोबारा से करना पड़ रहा है। तो मैं अभी वेट करता हूँ, जैसे ही ऑब्जेक्टिव अपडेट होगा तो मैं सीधे उस बंदे के पास जाने वाला हूँ। इस बार उस बंदे को ढूंढ के निकालूंगा। चलो 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 सीधे, पिछली बार मेरे को रास्ता पता नहीं था ना तो थोड़ा टाइम लग गया था, इस बार मैं सीधे उसके पास जाने वाला हूँ। मेरे को दिख जाए वो बंदा, मुंह पे चाटे चाटे उसके बाद बजा दूंगा, मेरे को दिख जाए। यहीं पे है ना, खोद चुका कब्र। इतनी जल्दी कैसे, इतनी जल्दी कैसे खोद दी तूने कब्र, ये बता। अब मैं इसको ओपन करूँ, इसके अंदर कुछ था, एकदम से आएगा ना डरा निकले मेरे को। पहली बार नहीं डरा मैं, इस बार कैसे डरूंगा। Escape from the graveyard through the gate, but gate में ताला लगा होगा, तो क्या मुझे जाना चाहिए वहाँ तक, या मैं डायरेक्टली अपने उसके अंदर चले जाऊँ। एक बार होके आता हूँ है ना, अगर इन लोगों ने बोला है तो गेट तक चला जाता हूँ, ताला लगा हुआ है, क्योंकि जब मैं गेट तक जाऊँगा तभी जाके ऑब्जेक्टिव अपडेट होगा। ये दोबारा दोबारा करना पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। गेम में बग्स तो हैं, वो वाला बग तो है कि एक बार अगर टास्क कंप्लीट होने से पहले तुमने सीसीटीवी में देख लिया तो दिक्कत हो रही है। अब मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। वॉज आई सपोज टू बी अ सिमेट्री गार्ड और अ डैम घोस्ट क्लब। बंद है गेट, हरिसन का ताला लगा हुआ है। अब चल रहा हूँ यार मैं, बस करो बस करो, सामने मेरे को भूत दिख रहे हैं। ये डरावने नहीं है, ये कुछ काम कर नहीं रहे, जो अचानक से आ रहा है ना वो डरा रहा है। गो बैक टू द सिक्योरिटी रूम। अब मुझे ये बताओ जो ताला लगा हुआ था उसका चाबी कहाँ है, और चाबी कहाँ से मिलेगी, वो तो भूतों ने लगाया हुआ ताला। वो लोग नहीं चाहते कि मैं वहाँ पे यहाँ से निकलूँ, पसंद करने लगे मेरे को लग रहा है। अब यार बताओ मेरे को आगे बताओ, गो बैक टू द सिक्योरिटी रूम। अगर मैं सीसीटीवी कैमरा चेक करता हूँ तो प्रॉब्लम होगी शायद, नहीं अभी चल रहा है, इसके बाद दोबारा चेक नहीं करूँगा। ये है ना यहाँ पे, अब जाके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने का वेट करना है मुझे, ठीक है। अभी दोबारा सीसीटीवी, हाँ अब हो चुका है। देयर इज समवन इन द चर्च, चेक इट आउट। एक सेकेंड, चर्च कहाँ है गाइस, चर्च ये है सिक्योरिटी रूम के सामने। कुछ लेके तो नहीं जाना मारने के लिए, गेट कहाँ है यहाँ का, आई थिंक आगे से होगा। ओ संबंध तो वही है ना जो खड़ी थी वहां पर भूतनी सी, वो एक लेटर है। वी द बरीड वंस इन द सिमेट्री हैव अ मैसेज फॉर यू, फॉर इयर्स अ डीमन हैज बीन बरीड हेयर टॉर्मेंटिंग आर सोल्स, नाउ यू आर कंडेम्ड टू डिस्ट्रॉय द डीमन विद इन दिस सिमेट्री एंड सेव अस फ्रॉम टॉर्मेंट, अदरवाइज अ हार्श डेथ अवेट्स यू। ऑलराइट, तो इसका मतलब यह है कि जो साथ में इकट्ठा लोग नहीं आ रहे झुंड में, वो लोग मुझे मारना नहीं चाह रहे, वो लोग मुझसे हेल्प मांगना चाह रहे हैं, लाचार हैं बेचारे, तो वो बस मुझे बार बार रिमेंबर याद दिला रहे हैं। वो याद दिला रहे हैं कि तुमको हमारा काम करना है, क्योंकि वो लोग तो नहीं कर सकते तो मुझे करना होगा। फॉलो द फुटप्रिंट्स। अबे यार ये काम मत कराओ मुझसे, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, ये तो मेरे सिक्योरिटी रूम की तरफ को जा रहे हैं। वेयर हाउस, वेयर हाउस की तरफ, नहीं नहीं वेयर हाउस नहीं। ओ उन लोगों ने मेरे को गाइड करा हुआ भूतों ने, एटलीस्ट यहाँ पर और लोग तो नहीं है, एक ही और डीमन जो मेरे को बार बार दिख रहा है। अब तो इन लोगों ने मेरे को यहाँ तक गाइड किया है। आई नीड अ टूल टू ब्रेक द डोर लॉक, फाइंड अ टूल टू ब्रेक द टॉम डोर। टॉम डोर ब्रेक करने के लिए मुझे जितना याद है वहाँ पे एक क्रॉबार था, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना, वो था यहाँ पे। तो मुझे उस डीमन को ख़त्म करना होगा, तब जाके जो यहाँ पे लोग हैं वो चैन से रह पाएंगे, वरना उनके लिए दिक्कत हो रही यार, उनको उनको दिक्कत हो, मैं मेरे से सहा नहीं जाएगा, मैं नहीं सह सकता। अभी तक मुझे लग रहा था कि वो लोग भी मुझे मारना चाह रहे हैं, बट वो लोग सिर्फ मेरे को अपनी अपीयरेंस दिखा रहे हैं कि हाँ हम लोग हैं, बट अभी तक मैं समझ नहीं आ पा रहा था कि क्या, क्यों लोग, क्यों हो तुम लोग यहाँ पे।
मुझे लग रहा था कि वो भी मेरे को परेशान करेंगे, बट नहीं, खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा, आराम से आराम से आराम से। सर्च द अंडरग्राउंड टॉम। ओके, किस चीज़ के लिए सर्च करना है? रात के टाइम पे चुपचाप अपने सिक्योरिटी रूम में दुबक के सोने से बेटर मैं ये कर रहा हूँ, मतलब सो जाता चुपचाप, हो जाता, पहला दिन निकल जाता, देख लेता जो होता। स्मिथ 1932। यार ये जो साउंड आ रही ना, ये कुछ अच्छी साउंड नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है मेरे को यहाँ पे। टेलर, यहाँ पर कोई खड़ा है। शिट, ओह यार मेरे को डर लग रहा है, यहाँ पर कोई खड़ा है। क्या करना चाहिए मुझे? छाया देख रहे हो, बहुत ऊंचा है यार वो, उसका सर भी नहीं दिखेगा नीचे। यार मेरे पास गन वन क्यों नहीं है, क्यों नहीं है मेरे पास गन, कुछ भी क्यों नहीं है मेरे पास यार, मैं सिक्योर फील नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। अब लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं है यार, कोई और रास्ता है क्या? शिट नहीं, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मैं सोच रहा हूँ फट से उधर निकल जाऊँ क्या यार, हिम्मत से नहीं हो पा रही पता नहीं क्यों। शिट, शिट, पता नहीं क्या था, मैंने नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं बस जा रहा हूँ। लेकिन मेरे को वो एरिया भी शायद एक्सप्लोर करना पड़े, और इतना तो यार देखो यार, जॉन कौन कौन था वो जॉन, आ जा यार तू यहाँ पर, मेरे से अकेले नहीं हो पाएगा, मैं नहीं सह पाऊँगा ये सब, खुल जा। शिट शिट, रॉबर्ट्स, या मेरे को लग रहा है कि सेलिब्रिटीज़ हैं क्या इनकी जो यहाँ पर, ये क्या क्या पड़ा हुआ है। ओ शिट, मेरे को सामने से कोई देख रहा है वहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ यार। मेरे को क्या एक्सप्लोर करना है मेरे को जल्दी से बताओ, मैं ले के निकलूँ यहाँ से। एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं है यार, ये बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे था उस टाइम पे। ओके तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था रूम वगैरह। यार मेरे को जाना उधर ही है गाइज, मेरे को उधर पे ही जाना है। और अबे यार मैं शिट क्या कर रहा हूँ मैं रात के टाइम पे। जब मैंने गेम खेलनी शुरू करी थी मुझे लगा था कि बस रात को मेरे को कि कोई लोग अंदर आ, मुझे लग यार क्या करूँ, मैं देखूँ नहीं क्या उसकी आंखों में है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी आंखों में ना देखूँ। शिट शिट, मैं निकल गया, मेरे पीछे से आ रहा, मेरे पीछे से आ रहा हो। शिट शिट, खुल जा। अबे कुछ तो बताओ मुझे यार, क्या कर। विलियम्स और पैरिंगटन, यंगेस्ट चाइल्ड बिटवीन बुक्स एंड रॉटिंग कॉर्पसेस। क्या चीज है, क्या चीज है, खुल नहीं रहा, लॉक्ड है यार। ये बहुत बहुत ही गंदी जगह है पैरिंगटन। मेरे को मैं क्यों आया यार, मैं यहाँ पे क्या ढूंढ रहा हूँ यार। सर्च द अंडरग्राउंड टाउन। अबे सर्च कितना सर्च करूँ यार मैं। मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं यहाँ पे बेवकूफों की तरह इनकी बात मान जा रहा हूँ। पता चला मेरे को ये सब लोग मिलके फंसा रहे हैं। मैं क्यों इनको खिसका रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं? ये शैडो किस चीज की? ओह शिट यार, ये बहुत ही गंदी जगह है, बहुत गंदी जगह। मैं यहाँ पे क्या, ओ एक की मिली मेरे को। During his alias, during his 60 year of life, spent his entire life trying to meet the devil. Until one day he was possessed by the devil and began to torment and slaughter people. After a while, he was killed by the cops. His body was eventually laid to rest in a protected tomb underground, encircled by crosses and sacred verses. Elias was a very wise and kind-hearted man, but the devil took his body and soul from him. यार इससे मेरा क्या मतलब, ये बताओ तुम, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मेरे को शेडो वगैरह दिख रही कहीं से, मेरे को नज़र, मेरा ना देखने का मन भी नहीं कर रहा है। जो मेरे को की मिली हो, ये गेट की तो नहीं है कहीं, मुझे जाना तो नहीं है यार यहाँ से, भागना तो नहीं है। बट इतना तो मुझे पता है कि मुझे भागना तो नहीं है यहाँ से। मुझे ना, मैंने पता नहीं क्यों सरदर्दी ले ली उस उन भूतों की यार, वो मेरे को जा। ओके अब समझ में आ रही मेरे को सारी कहानी। वो लोग मुझे तब तक जाने नहीं देंगे जब तक मैं उनका काम नहीं करूंगा।
यानी कि उस डीमन को मारूंगा नहीं, ये लोग मेरे को जाने ही नहीं देंगे क्योंकि इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, है ना। और देखो मैं उनका कोई दोस्त तो हूं नहीं, अगर उनका काम नहीं बनेगा तो उन्होंने बोला ही है कि तुम मतलब मौत का दरवाजा तुम्हारा इंतजार करेगा, ठीक है। वैसे भी ये जो चीजें हो रही ना ये मौत से कम नहीं है, मैं जो कर रहा हूं ना मतलब यार खुलेगा खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया यार, ये कितना गंदा सीन है, शिट। मैं क्यों यहाँ पर आया यार, मैं क्यों आया, मैं बेवकूफ, मैं क्यों नौकरी ली मैंने। द कैंडल्स आर लेट एज इफ समवन वाज हियर टुडे, कोई तो होगा, कोई तो है यहाँ पे। ये क्रॉस साइन जिसकी बात करी गई थी ना गाइस, वही है जो बात चल रही थी ना, ये वही चीज है, ऊपर तक खुला हुआ है पूरा, देखो क्रॉस साइन से घिरा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, अबे यार सर्च के अलावा मुझे कुछ और बताओ जल्दी से। एक्स, ओके समझ में आ चुका है अभी, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे समझ आ चुका है कि मुझे चेन्स को तोड़ना है। अब एक एक्स से हम लोग चेन को कैसे तोड़ पाएंगे नहीं पता, बट यही होने वाला, मेरे को वेट करना है, जल्दी से बता दो यार, ये इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ये क्या है, अच्छा ये तो एक्स है ना, डायरी है, कुछ फोटोज हैं, ये फोटोज मेरे को दिख नहीं पा रही यार, कुछ आया नहीं ना, सर्च द अंडरग्राउंड। इसको ओपन कर रहा हूं मैं, शिट ये कितना खतरनाक लग रहा था। इन द नेम ऑफ द फादर द सन एंड द होली स्पिरिट एलियाज, ऑल्दो द डेविल हैज पजेस्ड योर बॉडी एंड सोल इन दिस ट्रांसिएंट वर्ल्ड, फ्रॉम टुडे यू विल पीसफुली रेस्ट इन इटर्नल स्लीप बिकॉज द मर्सीफुल लॉर्ड कीप्स यू अवे फ्रॉम द डेविल्स एलियाज, मे द लॉर्ड फॉरगिव योर सिंस एंड प्लेस योर सोल इन द पीस। क्या हमारा काम हो चुका गाइस, हैं सच में, लाइटर कहां से आ गई मेरे पास। सर्च अंडरग्राउंड द टॉम, यार एक सेकंड रुक जाओ, मैं पिछले एक घंटे से इसको सर्च कर रहा हूं, हैं ओ आग जलानी थी मेरे को, मैं वही सोचा कि मेरे पास हाथ में लाइटर कहां से आ गया। एग्जिट द टॉम, शिट 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 शिट, खुल जा खुल जा खुल जा जल्दी खुल जा, शायद सामने था ना, पक्का शायद सामने था। अबे यार मेरे को निकलना है, जल्दी निकलना है यहां से, सीढ़ियां दिख रही मेरे को, एग्जिट करना है यहां से, चल 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 चलो 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 चलो। अबे यार अब बाहर जाके क्या होने वाला है, जो शैतान नहीं चाहता था, जो वो नन नहीं चाहती थी, वही मैंने करा। वापस ऊपर तो आ चुका हूं, क्या मैं जिंदा बच पाऊंगा क्या। गाड़ियां यहां पर खड़ी है ना, ऑलराइट ऑलराइट, यहां से मेरे को रास्ता पता है, यहां से मेरे को रास्ता पता है। गेट गेट बंद है अभी, नहीं 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 नहीं, वहां कुछ नहीं है। अबे यार मेरे को जाना पड़ेगा मेरे को जाना पड़ेगा गाइस, कोई रो रहा है वहां पे, और शायद ये वही विच हो सकती है, मुझे मुझे पक्का भरोसा है ये वही है यार, ये हमको ट्रैप में ये नहीं, भागो यहां से, अब निकल लो, धड़कनें बढ़ रही है। मीट द डेड नन, डेड नन से हम लोग मिल चुके, अच्छी मुलाकात थी, अभी यहाँ से हमको निकलना है, अब और कुछ नहीं, अब हो गया, बहुत हो चुका, अब सिक्योरिटी रूम में वापस जा रहा हूँ, सो रहा हूँ, कल जाके रेजिग्नेशन लेटर थमा दूंगा अपने जो जो भी है जिस जिसने मेरे को नौकरी दी है, कि भैया मेरे से नहीं हो सकता। पहले दिन क्या ये नौकरी होती है, ऐसी नौकरी, गार्ड की नौकरी बोला था, मुझे लगा था कि रात को सो जाऊंगा मैच देखूं। बंद हो, अबे बंद हो जा यार, क्यों बंद नहीं हो रहा, बंद मत हो मत हो मत हो मत हो, क्या सिक्योरिटी रूम ये चेक कर रहे हैं मुझे। ऑलराइट ये फिर से आ चुका यार, ये फिर से, ये क्या कर रहा है, कौन है, फिर से मुझे इसको ढूंढना पड़ेगा, ये फिर से वही सारी चीजें दिख रही है। ये बंदा भी कुछ तो था, ये इंसान नहीं था, ये कुछ तो था ये बंदा, ये भी दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। जितनी चीजें अभी तक हुआ है ना, जितना जितना जितने इवेंट्स हुए वो सब दिख रहा है मेरे को, ठीक है। यहाँ पे ये बैठा हुआ, ये कौन है प्राणी, अब लाश टंग गई है उल्टा। सी यू इन द हेल, हैं यार ये कुछ सही नहीं लग रहा गाइस, कैमरा बंद हो चुका है मेरा, ये मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा। पलटू क्या, डेविल डज नॉट बर्न, मेरे इसका वो कहां चला गया, दरवाजा ही चेंज कर दिया तेरे, चल दी इन्होंने, हैं कब आया कारपेंटर, कब दरवाजा चेंज कर दिया। एक सेकंड रुक जाओ, लीव द एरिया, समझ गया समझ गया, मेरे को लीव द एरिया करना है, बट जहां तक अलग ड्रामा है तुम्हारे, लीव द एरिया, लेकिन कैसे कैसे
बेवकूफ लोगों को नहीं पता कि विंडो भी बंद करनी होती है। मैं निकल लूंगा यहां से चुपचाप। ये तो पूरा बंद है यार। नहीं नहीं नहीं, खुला है खुला है। ओ शिट! अबे यार यही है लास्ट। अब मुझे यहां से चुपचाप निकलना है। अभी तक मरा नहीं था, यही है लास्ट। खत्म हो गया क्या? मैं हूं कहां पे? हेल में आ चुका हूं मैं। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं मर चुका हूं या जिंदा हूं अभी। मैं नहीं पता क्या मैंने गलती करी कि मैं नहीं यार, वो मेरे को पकड़ ही लेता। मुझे राइट जाना चाहिए था क्या? रास्ता भी तो नहीं था वहां पे यार। क्या करना है गाइस मेरे को, क्या करना है? ये बहुत बेकार जगह है। नहीं नहीं, यहाँ पे रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है और बिल्कुल सही नहीं है यहाँ पे। ये वही कब्र खोद रहा है मेरी। हैं? मैं हूं कहां पे? ये सच में हेल है क्या? अबे नो आई नी नोट येट, क्या दिमाग खराब करके रखा हुआ है। ये हेल में आ चुका हूं मैं, यही एंडिंग थी क्या गेम की? मतलब मैं मर, समझ नहीं आ रहा मुझे यार। ये क्या था? मुझे समझ नहीं आया कुछ भी, ये क्या हुआ? टॉर्च मेरा यहां पे। ओके ये तो प्ले नहीं हो रहा है। हो रहा है, होगा प्ले होगा क्या? कुछ तो है इसमें। कैसे चलाते हैं इसको? प्ले तो कर दिया मैंने। मैं बेवकूफ, मेरे हाथ में सीढ़ी है, मैं प्ले करे जा रहा हूं, प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, राइट क्लिक करके हुआ था अभी। ऑलराइट रेडी, चलो ठीक है, चल रहा है। हाँ तो देखते हैं कि क्या पहले से ना, ये देखो ये वाली मैंने यूज खुद तो नहीं करी हुई, ये वाली कैसेट देखी हुई है, बट पहले के टाइम पर इसमें हम लोग शादी के कैसेट्स वगैरह इसी में बन के आते थे, VHS में, इसमें हम लोग देखते थे। हाँ तो कुछ चलेगा, प्ले करूँ क्या? प्ले तो करना ही पड़ेगा। Hello there viewers, today's true story is about a man hired as a security guard at the Whispering Winds graveyard. ये मेरी स्टोरी है। On the first night, he realizes that the spirits in this cemetery are asking him to destroy the body of a demon-possessed man buried there as it torments them. The naive and unsuspecting guard believes them and burns the body of the demon-possessed man. But he didn't know that the spirits are not visible and everything he saw was of demonic nature. Now, the demon has awakened again and the spirits of Whispering Winds are in torment. Death was the only punishment for this security guard. Oh, तो जो सब मैं कर रहा था, मैं मर चुका हूँ. Obviously, मैं मर चुका हूँ यार. मैं वो सब मतलब
नहीं है वो, मैंने कोशिश करी थी सही करने की लेकिन नहीं है। मतलब यार देखो, जो मर चुका उसको मैं जला रहा हूँ। अभी इसमें लिखा भी था कि डीमंस कांट बर्न, कांट बी बर्न, है ना। तो मैं क्यों ऐसा कर रहा था, मैंने उन पर बिलीव कर लिया उन लोगों पर, और उसकी पनिशमेंट क्या थी, मैं खुद भी मर चुका हूँ, मैं भी उनमें से एक हो चुका हूँ। अब दोबारा से प्ले करना है मुझे, ठीक है देखते हैं। Hello there, viewers. Today's true story is about a man who was hired as a security guard at the Whispering Winds graveyard. However, on the first night, he realizes that the spirits in this cemetery are asking him to destroy the body of a demon-possessed man buried there. लेकिन मैं सीढ़ी कैसे चला पा रहा हूँ यार? The naive and unsuspecting guard believes them and burns the body of the demon-possessed man. Don't look at up. क्यों? मैं हूं कहां पे यार? ये यार पता नहीं, ये दिमाग खराब कर देगा गेम ही। चल क्या रहा है? खत्म, शायद खत्म। हेलो डियर व्यूअर्स, नहीं नहीं नहीं, वही सेम चीज आ रही बार बार ना। देख लिया मैंने ऊपर, ऊपर कुछ भी नहीं है ऊपर। एक सेकंड, ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट। अबे यार मैं तो इतना गौर से नहीं देख रहा था। मेरे को लग रहा कि ऊपर पूरा वॉइड है लेकिन मेरी डेड बॉडी पड़ी होगी कहीं पे। मैंने नर्क देख लिया, मैंने सब कुछ देख लिया इस गेम में यार। द बॉडीज आर इन दर प्लेसेस, देयर इज नो साइन ऑफ लास्ट नाइट नाइटमेयर, दैट्स गुड। ये सब क्या सपना था मेरा? पता नहीं यार, मैं इतना कंफ्यूज हो गया हूं ना इस गेम में। एक सेकंड, बाहर जाने दो मेरे को। खुल गया गेट, खुल गया, मैं जिंदा हूं। मीट द प्रीस्ट एट द एग्जिट ऑफ द सिमेट्री। अभी लेकिन उस कैसेट में उन लोगों ने बताया कि एक गार्ड था जो अपनी पहली जॉब या पहले नाइट यहाँ पर काम कर रहा था और उसको ये सब चीज़ें बताई, उसने बिलीव कर लिया और मौत उसकी आखिरी सजा थी। ठीक है, बट मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं जिंदा हूँ, मैं मर गया हूँ, मैंने क्योंकि नर्क भी देख लिया, सब सपने में हो रहा था क्या? I think you'd agree that being a guard in this place revitalizes. मुझे यही लग रहा है गाइस कि मैं सपना देख रहा था ये सब। हाँ, क्या था ये क्या था? मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ। बाय 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 बाय, बहुत हो गया। अभी और है क्या गेम? यार अगर ऐसी पहली रात है ना मेरी ग्रेवयार्ड, मैं दोबारा नहीं आऊंगा यहाँ पर जॉब करने के लिए, मैं नहीं कर सकता। इतनी भयंकर रात, इंसान पागल हो गया, इंसान गाड़ी से घर जा रहा। अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि वो सपना था या ये सपना है मेरा। बट अब बिलीव तो करना पड़ेगा कि मैं जिंदा बच गया। बट मैं बच कैसे गया? मुझे उस टाइम पर अच्छा सपना था ना, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। बंद हो, रेडियो कहां पर चल रहा है? ये गेट से शायद एग्जिट हो जाएगा ना, आई थिंक यही लग रहा है मेरे को। यार बहुत, अबे ऊपर दिखा मेरे को, ऊपर दिखा वही बंदा दोबारा से दिखा मेरे को, चश्मे वाला जो मेरे को सीसीटीवी कैमरा में दिख रहा था। ओ शिट, जाते जाते गेम छोड़ेगा नहीं, इंसान को पागल बना के छोड़ेगा ये गेम। अब उसने आग लगा दी मेरे को, यही एंडिंग होनी थी वैसे।
निकल सकता हूँ मैं, बच सकता हूँ, कुछ है जुगाड़? नहीं गया। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? मैं बच कैसे गया? यार इस गेम में चल क्या रहा, खत्म कर दो यार इसको, कभी खत्म कर दो इसको, बंद करो इस गेम को। ऑलराइट गाइस, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि क्या मैं जिंदा था इसमें एंड में, और जब वो सारी चीजें हुई थी क्या वो मैं सपना देख रहा था, सपने में कर रहा था? क्योंकि एक बार तो मैं सपने में गया था, बट उसके बाद तो मैं वापस आ चुका था ना सपने मेरे को। यार मुझे लग रहा है कि जब मैं सपने में गया था और मैं उसके बाद से नीचे कूदा, वहां से सारा कुछ स्टार्ट हुआ, पता नहीं। मतलब जो भी चीजें, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताने कि क्या ये सपना चल रहा था। अब अभी भी एंड में मेरे को वो तो दिख गया था जो डीमन था वहां पे, तो क्या अब मैं, अब तो मैं मर चुका था ना शायद, आग जलने के बाद भी बच चुका था, लेकिन उसके बाद फिर से वो मेरे को दिख गया था। तो एंडिंग क्या हुई कुछ नहीं पता चला, बट आप लोग मेरे को कमेंट करके थोड़ा सा समझाना इसके बारे में कि क्या था। बट जो भी था, गेम बहुत अच्छा था, खतरनाक तो था, बहुत खतरनाक था। मतलब इतने सारे जंप स्केयर एक गेम में, मतलब आप यकीन नहीं करोगे यार इतना कैसे। एंड आते आते तक चीजें वही हो रही थी, बार बार से अचानक से जंप स्केयर आ रहा है। तो फिलहाल इसी के साथ इस गेम को हम लोग खत्म करते हैं, और खत्म कर लिया है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, और कौन सी और हॉरर गेम मेरे को ट्राई करनी चाहिए जो कि और ज्यादा खतरनाक हो, और ज्यादा डेंजरस हो। वैसे ये बहुत ज्यादा थी, तो बताना कमेंट करके। फिलहाल आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।